हेलो दोस्तों, पीवीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देख सकते हो आईसीए सरसोद के अंदर आज 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव वाले दिन बच्चे फेरी लगाएंगे और हमारे क्रांतिकारियों के प्रति और हमारे समाज के अंदर जितने भी लोगों ने क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है उसके प्रति नारे लगाते हुए लोगों को आश्वासन दिलाएंगे कि ये भी आगे बढ़कर क्रांतिकारी जैसे ही अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चों के हाथों में फ्लैग है और फ्लैग के साथ जोश से भरे हुए बच्चे अब आगे बढ़ने वाले हैं। भारत माता की वंदे, भारत माता की शहीदों के सपनों को, शहीदों के सपनों को, भारत माता की वंदे, वंदे भारत माता की। शिक्षा हमारा शहीदों के सपनों को, वंदे वंदे भारत माता की। लोगों ने अपने सर कुर्बान किए, यदि हम एक मिनट के लिए भी उस पीड़ा में अपने आप को रखकर देखें तो हमें एहसास हो जाएगा। हमारे 10 गुरु जिन्होंने इस पंथ को बचाने के लिए जितनी यातनाएं सही, आप यदि उन पुस्तकों को पढ़ेंगे, गूगल पर उनके इतिहास पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि ये देश किस तरह से आजाद हुआ। तू ना रो के तू मां भगत सिंह दे, तू ना रो के तू मां भगत सिंह दे, तेरा मर के भी मरे ना लाल कोई, डोली में बैठ के दुल्हन लाते हैं दूल्हा बन के फांसी चढ़े जवान कोई, दूल्हा बन के फांसी चढ़े जवान कोई। देखिए बड़ी यातनाओं के बाद जिन लोगों की अभी जीने की उम्र थी, जिन लोगों को इस संसार में भी रहना था, जैसे आपके और हमारे दिल में अरमान है बहुत अच्छी जिंदगी जीने के, हर इंसान चाहता है कि अच्छा मकान हो, अच्छी संतान हो और गाड़ी हो, बंगला हो, कोठी हो, सबका ये सपना होता है। उन लोगों का भी सपना होता था, यदि वो उस सपने के अंदर रह जाते तो ये देश आजाद नहीं होता। एक बार मिलकर जय घोष करेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारी ये आवाज, हमारी वाणी उन तक पहुंचे, वो जहां भी हैं वो खुश रहें,